सर्किट हाउस सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी एक्ट है। क्रांतिकारी इसलिए कि इस एक्ट से लोगों में क्रांति आ गई है। इस अधिनियम ने आम आदमी को शक्तिशाली बनाया गया है, जिसमें शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में और भी पारदर्शिता आ गई है और प्रदेश अच्छे शासन की ओर अग्रसर है। मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि लगभग 28,000 जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को तीसरे राउंड प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आम आदमी को समय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि समय से सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर संबंधित से अर्थदंड भी वसूला जाएगा, लेकिन एक सवाल के जवाब में आयुक्त सूचना ने अर्थदंड वसूलने वाली प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया। गोरखपुन्नी से बात करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा, देखिए आज जनपद गोरखपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में इन जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 एक्ट और रूल्स, इनके बारे में, इनके जो सुसंगत प्राविधान हैं, जो उनके लिए रेलिवेंट प्राविधान हैं, उनके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। अभिप्राय ये था कि हमारे जन सूचना अधिकारी गण, उनको ये जानकारी हो, उनको ज्ञान हो कि इस एक्ट के तहत और इन रूल्स के तहत उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर सकें, उस दृष्टिकोण से ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये एक नया कार्यक्रम नहीं है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2016 से प्रदेश में एक बृहद प्रशिक्षण के रूप में चलाया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 20,000 जन सूचना अधिकारी गण कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO जो अपॉइंट किए गए हैं, लगभग संख्या में 20,000 हैं। लगभग 7-8,000 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। तो इस तरह से 27-28,000 व्यक्ति हैं जिनको प्रशिक्षित करने का ये कार्यक्रम जनवरी 2016 से चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में दो राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा राउंड चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3-4 संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। नंबर एक, जो नोडल एजेंसी है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक ट्रेनिंग एजेंसी है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अंग्रेजी में UP अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, उसको संक्षेप में UPAAM उपाम कहते हैं। ये लखनऊ में एक ट्रेनिंग एजेंसी है, तो UP अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये इसकी ट्रेनिंग एजेंसी है नोडल। इसको जिम्मेदारी दी गई है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आप संचालित करेंगे। इस प्रशिक्षण, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सूचना आयोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू से जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने अकेडमी के साथ समन्वय करके तैयार करी है। तो दूसरी एजेंसी इसमें, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग इसमें शामिल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और तीसरा इसमें भारत सरकार शामिल है। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, DOPT कहलाती है, भारत सरकार के का एक विभाग है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। DOPT की एक स्कीम है, RTI एक्ट की ट्रेनिंग के लिए उस स्कीम के तहत सहायता देती है DOPT। तो भारत सरकार इस स्कीम के तहत UP अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को
फाइनेंशियल वित्त पोषित कर रही है, तो फंडिंग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फंडिंग भारत सरकार की है, नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार की है उपाम, और तीसरी संस्था उत्तर प्रदेश सूचना आयोग जिसने इसकी रूपरेखा तैयार कराई। तो इस प्रकार से ये एक जॉइंट एफर्ट है भारत सरकार, प्रदेश सरकार और सूचना आयोग का। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये क्रांतिकारी अधिनियम है, और मैं क्रांति शब्द का प्रयोग सोच समझ के कर रहा हूँ। मैं इसको क्रांतिकारी अधिनियम इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब कभी किसी समाज में, किसी व्यवस्था में क्रांति आती है तो यथास्थिति बदलती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने देश में, प्रदेश में यथास्थिति को परिवर्तित किया है। शासन प्रशासन तंत्र तथा जनता के बीच में जो शक्ति संतुलन था 2005 में, उसको इस अधिनियम ने जनता के पक्ष में शिफ्ट किया है। इस अधिनियम ने आम जनता को सशक्त बनाया है। 2005 से पहले कोई पब्लिक का आदमी, आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि किसी दफ्तर में, किसी सरकारी कार्यालय में वो जाए और जाकर अधिकार के साथ कहे कि फलां फाइल के 15 पेज की मुझे फोटोकॉपी दीजिए, संभव ही नहीं था। आज इस अधिनियम की वजह से ये आम व्यक्ति का अधिकार है कि कोई भी सरकारी अभिलेख छुपाया नहीं जा सकता, उसकी कॉपी यदि वो मांगेगा तो वो कॉपी उसको दी जानी चाहिए। इस अधिनियम के उद्देश्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और वो इसके प्रीएम्बल में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। पहला इसका उद्देश्य है शासन प्रशासन तंत्र की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट करना। दूसरा, जवाबदेही को बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। और तीसरा है इस करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। ये तीनों उद्देश्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और वस्तुतः यदि किसी प्रदेश में, देश में सुशासन की स्थापना करनी है, गुड गवर्नेंस की स्थापना करनी है, तो ये तीनों उद्देश्य जो हैं ये बड़े आवश्यक हैं सुशासन की स्थापना के लिए। बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना अकाउंटेबिलिटी की स्थापना के और बिना करप्शन पर अंकुश लगाए गुड गवर्नेंस स्थापित नहीं हो सकती। और इस दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश में और प्रदेश में गुड गवर्नेंस की स्थापना की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और हमारा ये विश्वास है, हमारी उम्मीद है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है पिछले 3 साल से, उसके माध्यम से प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को बेहतर बनाएंगे, जो इसके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की दिशा में जो कुछ संभव हो सकता है हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इसमें आपके प्रश्न के दो भाग हैं। पहला यह है कि जुर्माना लगा, अगर उसने सूचना उपलब्ध नहीं कराई या सूचना गलत उपलब्ध कराई, उस पर आवेदक ने आकर अपील करी हमारे पास और अपील में ये पाया गया कि उसकी गलती है पीआईओ की, और आयोग ने उस पर अर्थदंड अधिरोपित कर दिया। तो अर्थदंड अधिरोपित करने के बाद हम उस फाइल को तब तक बंद नहीं करते जब तक हमारे पास संबंधित विभाग की आख्या नहीं आ जाती कि उसका अर्थदंड वसूल करके खजाने में जमा कर दिया गया है। जब हमारे पास वो आख्या आ जाती है तब हम उस फाइल को क्लोज करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यदि उसने अर्थदंड अधिरोपण के बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई है, तब हमें अधिनियम में जो हमें शक्ति दी गई है, हम केवल उस शक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं, हम उसके आगे तो नहीं जा सकते। अधिनियम ने हमें ये प्राविधान किया है कि यदि
कंटिन्यूड उसका कंटिन्यूड मिसबिहेवियर रहता है, वो सूचना नहीं उपलब्ध करा रहा, उसके ऊपर जुर्माना भी लग गया, उससे वसूली भी हो गई और उसने उसके बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई, तब हमें ये शक्ति दी गई है कि हम शासन को संस्तुति करें कि इस व्यक्ति के विरुद्ध निर्धारित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। हमारी संस्तुति शासन को जाती है, आमतौर पर शासन उसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, ये शासन के ऊपर है कि वो उस पर कितनी सख्ती से करता है, ये हम केवल इसमें शासन को संस्तुति करने का अधिकार रखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर मेरे पास इस समय आंकड़ा नहीं है कि कितने केसेस में हमने शासन को रिफ़र किया, लेकिन करते रहे हैं। मेरे पास इस समय इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता, नहीं टेंटेटिवली मैं आपको कोई फिगर दूं जो कि नहीं मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि जहाँ तक अर्थदंड की वसूली का प्रश्न है, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, आयोग की नहीं है। अर्थदंड उसकी तनख्वाह से वसूल होना होता है और तनख्वाह से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करा जाना है, ये पैसा आयोग में नहीं आता है, ये पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। जो नियमावली बनाई गई थी 2015 में, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015, उसमें भी शासन ने अपनी इस जिम्मेदारी को पहचाना है और नियमावली में ये प्राविधान किया गया है कि ये लिखा गया है कि अर्थदंड अधिरोपण के बाद अर्थदंड की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी, ये नियमावली में लिखा गया। जब कभी अर्थदंड अधिरोपण का आदेश आयोग पारित करता है, तब आयोग में एक सेक्शन है जो इस आदेश की प्रतिलिपि भेजता है शासन के उस विभाग को जिस विभाग में वो जनसूचना अधिकारी कार्यरत होता है, और इस चिट्ठी में ये लिखा जाता है कि ये आयोग का आदेश है, हम इसकी कॉपी आपको भेज रहे हैं, अब इस आदेश के तहत आप वसूली करिए और वसूली करके हमको आख्या भेजिए ताकि हम फाइल पर लगा सकें कि वसूली कर ली। अनेकों से ऐसा नहीं है कि संतोषजनक नहीं है, ये बात अपनी जगह पर सही है, वसूली की जो गति होनी चाहिए, जितनी तीव्र गति से अर्थदंड की अधिरोपित अर्थदंड की वसूली हो जानी चाहिए, उतनी तीव्र गति से नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनेकों मामलों में जो अर्थदंड की वसूली हुई है, अनेकों मामलों में हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई है, फाइल में लगी है, ऐसा नहीं कि कोई वसूली नहीं हो रही। हम प्रयास करेंगे, हमारा एक आयोग में एक अलग सेक्शन है जिसके पास जिस किसी भी सूचना आयुक्त द्वारा अर्थदंड अधिरूपित किया जाता है, उस आदेश की एक प्रति उस सेक्शन को भेजी जाती है कि अब आप इसको वसूली की कार्रवाई के लिए भेज दीजिए गवर्नमेंट को, तो हम निकालेंगे। हाँ, आप हमसे ही संपर्क कर लीजिए, अब आपसे सीधे बात हो रही है तो आप करिए। सर, एक मिनट, मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा। आदेश जो हमारा नोटिस जाता है आदेश की प्रति संलग्न करके, वो केवल ट्रेजरी ऑफिसर को नहीं जाता, यदि वो शासन का मान लीजिए किसी निदेशालय का अधिकारी है तो उस निदेशालय का जो निदेशक है उसको पहली चिट्ठी की कॉपी उसको जाती है, दूसरी कॉपी जाती है ट्रेजरी को। अगर वो जिला स्तर का अधिकारी है तो पहली चिट्ठी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाती है, दूसरी चिट्ठी उस विभाग का जो जिला स्तरीय अधिकारी है उसको जाती है, तीसरी कॉपी उसकी ट्रेजरी को जाती है। तो इसलिए हम केवल ऐसा नहीं करते कि ट्रेजरी को जाए, हमें मालूम है कि ट्रेजरी ऑफिसर को ये अधिकार नहीं है कि वो तनख्वाह से काटे। तनख्वाह से काटने का अधिकार उस जन सूचना अधिकारी का जो नियंत्रक प्राधिकारी है उसको है, हम उसको कॉपी भेजते हैं। देखिए, हमारा जो अनुभव है वो ये है कि इस प्रशिक्षण का डेफिनेट लाभ हुआ है, हमारे जन सूचना अधिकारीगण को एक्ट के बारे में, नियमों के बारे में जानकारी बढ़ी है, नियमावली का उनको कोई अंदाज़ा नहीं था, अब नियमावली के नियमों के बारे में उनको जानकारी हुई है। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि PIO ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा आदमी PIO बन जाता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती, वो बिल्कुल फिर शून्य से शुरू करना पड़ता है। इसके अलावा एक साल बाद में लोग भूल जाते हैं,
तो रीट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। तो मेरा यह प्रयास है और मैं विश्वास रखता हूँ कि भारत सरकार से हमें इसके वित्त पोषण मिलता रहेगा, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलता रहना वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। साल में एक बार एक भाई हमारे 75 जनपदों में साल में एक बार एक जनपद को टच कर लिया, अगले साल फिर उस जनपद में रख, तो हर साल एक बार कम से कम ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए इसका कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है और ना हो सकता है, लेकिन जो अनुभव हमारा है वो ये है कि जो जन सूचना अधिकारीगण उत्तर देते थे, लिख कर भेजते थे, उनके उत्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। पहले तो नियमों की कोई जानकारी नहीं थी उनको, तो उतना अलल टप जो चाहते थे लिख के भेज देते थे, फिर उसके बाद वो लड़ाई वहाँ आयोग में होती रहती थी। डेफिनेटली गुणात्मक सुधार हुआ।